जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक और नई तस्वीर कैप्चर की है और हमेशा की तरह इस बार भी हम इस तस्वीर में छिपी हुई डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे। ये है 30 डोराडस नेबुला, जो हमसे 1,60,000 लाइट ईयर्स दूर लार्ज मैजेलैनिक क्लाउड में स्थित है। लार्ज मैजेलैनिक क्लाउड हमारी मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सी है। सैटेलाइट गैलेक्सी वैसे छोटी गैलेक्सी को कहा जाता है जो किसी बड़ी गैलेक्सी को ऑर्बिट करती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पास लगभग 50 सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं और इन सभी में सबसे बड़ी सैटेलाइट गैलेक्सी लार्ज मैजेलैनिक क्लाउड है, जिसमें यह नेबुला स्थित है। इस नेबुला को टेरेंटुला नेबुला भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अपीयरेंस मकड़ी के जाले जैसा है। जैसा कि अपनी पिछली वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। इन चारों में से 3 इंस्ट्रूमेंट्स को इस नेबुला की ओर पॉइंट किया गया था। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट की मदद से वैज्ञानिकों ने इस नेबुला की 2 तस्वीर और एक स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया। इस तस्वीर को नील कैम की मदद से कैप्चर किया गया है। इस तस्वीर में हम टेरेंटुला नेबुला को काफी डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ आप हजारों नवजात तारों को देख पा रहे होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म है, इसलिए ये नीले दिखाई दे रहे हैं। इन नवजात तारों के बगल में ठंडी गैसें हैं जो इस तस्वीर में लाल रंग की दिखाई दे रही हैं। इन गैसों का ये लाल रंग इस बात का सबूत है कि इस नेबुला में काफी मात्रा में हाइड्रोकार्बन हैं, जो कि किसी भी नए तारे के बनने के लिए काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। तारों को जन्म देने वाली नर्सरी आसमान में 340 लाइट ईयर्स में फैली हुई है। इस तस्वीर के सेंटर में आपको एक बहुत ही बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा होगा। यह छेद नवजात तारों के रेडिएशन से बना है। अब शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसा ही कोई छेद नेबुला के इन हिस्सों में क्यों नहीं बन पाया। तो इसका जवाब ये है कि नेबुला के इन हिस्सों में बहुत ही डेंस गैसेज हैं जो इन तारों के रेडिएशन को बहुत ही आराम से झेल ले रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई छेद नहीं बन पा रहा है। लेकिन जरा यहाँ देखिए, यहाँ आपको बबल जैसा कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर एक नया छेद बनने की शुरुआत हो रही है। कुछ समय बाद यहाँ पर भी एक ऐसा ही छेद होगा। बस यूँ समझ लीजिए कि यह बबल इस कैविटी का पास्ट है। टेरेंटुला नेबुला की इस तस्वीर को जेम्स वेब के मेरी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैप्चर किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस तस्वीर में बहुत ही कम तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ठंडी गैसेज और भी ज़्यादा ग्लो कर रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तस्वीर लाइट के लॉन्गर वेवलेंथ में ली गई है और इस वेवलेंथ में तारे फेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। इन 2 तस्वीरों के अलावा वैज्ञानिकों ने इस नेबुला के स्पेक्ट्रम को भी प्रोसेस किया है। जेम्स वेब के नीयरस्पेक इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया गया है। इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि इस नेबुला की एज कितनी है और इसमें जो तारे जन्म ले रहे हैं उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जाहिर है आपको भी जेम्स वेब टेलीस्कोप और उसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों में इंटरेस्ट है। अगर सच में ऐसा है और आप उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर वीडियोस देख सकते हैं।